प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। और ये इम्पॉर्टेंट अपडेट कई सारे लोगों का सवाल है, BCCLE 2024 का जो काउंसलिंग होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो कई सारे लोगों का अलग अलग सवाल जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें यहाँ पे जो पहला सवाल है वो कहा जा रहा है कि सर मेरा युवा रैंक जो है 675 है और EWS जो है 123 है, CS कोर मिल जाएगा, मतलब इनको CS में स्पेशलाइज्ड ब्रांच नहीं चाहिए, CS में इनको जो है कोर ब्रांच चाहिए, तो डेफिनेटली इनको जो है CS में कोर मिल जाएगा। बट पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में संभावनाएं कम है कि सिविल CS कोर ब्रांच उनको जो है मिल पाएगा। EWS में भी संभावनाएं हैं थोड़ी बहुत, बट फिर भी सेकेंड राउंड में CSE कोर आराम से मिल जाएगा, है ना। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे कि यूआर रैंक 378 है और EBC में जो है 116 है, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा टॉप कॉलेज में, और कौन सा टॉप कॉलेज मिलेगा सर जी? देखो, कौन सा टॉप कॉलेज मिलेगा 378 है, तो इसके हिसाब से आपका टॉप कॉलेज में अगर बात किया जाए तो आपको सासाराम इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल सकता है। कौन सा मिल सकता है? सासाराम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है। ओके, एंड इलेक्ट्रिकल आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको किसी तरीके का कोई परेशानी जो है आपको यहाँ पे नहीं होने वाला है, है ना, किसी तरीके का कोई परेशानी आपको होने वाला नहीं है, आपको आराम से कॉलेज जो है मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे आपका कि युवा रैंक 590 है, साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगा DCE दरभंगा में, प्लीज रिप्लाई। तो साइबर सिक्योरिटी जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है 590 है, तो डेफिनेटली मिल जाना चाहिए। अगर आपका कोई कैटेगरी भी है तब तो आराम से मिल जाएगा, बट अगर कोई कैटेगरी नहीं है तब हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो या पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो, है ना, लेकिन आराम से ऐसे मिल जाना चाहिए आपको, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे कि मैकेनिकल से सिविल में जाना सही रहेगा कि नहीं। ये ऑलरेडी मैंने जो है एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ब्रांच चेंज करना सही है या नहीं, तो मैंने उसमें बोला था कि आप अपना इंटरेस्ट को देखते हुए आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। तो उसमें एक स्टूडेंट का यहाँ पे रिप्लाई आया है कि ब्रांच कभी भी चेंज नहीं करना, ये इनका कहना है। और इसमें ये इन्होंने ये भी कहा है कि ब्रांच चेंज करने से प्रॉब्लम क्या होती है वो इन्होंने बताया है। ब्रांच चेंज करने से पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको आपने जो डिप्लोमा किया है उसको आपको भूलना होगा, और BTEC जो जिस ब्रांच से आप करोगे उस ब्रांच पर आपको फोकस करना होगा। प्लस दूसरा कि आप जिस ब्रांच को छोड़कर BTEC नए ब्रांच से आप कर रहे हो तो उस ब्रांच पे फोकस आपको करना होगा, और उसके बेस को मजबूत करने के लिए आपको मेहनत जो है थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ये यहाँ पे जो है बोला, मतलब ये आपको करना पड़ेगा। और अगर आप सेम ब्रांच रखते हो जो डिप्लोमा में आपका है, वही अगर आप BTEC में भी रखते हो, तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा बहुत बेस तो ऑलरेडी आपको पता है कि क्या मैंने पढ़ा है डिप्लोमा में, है ना, और तो उससे आपका जो बेस है वो थोड़ा तैयार रहता है और आप मजबूती से उसको आगे की ओर और अच्छे से स्कोर कर सकते हो BTEC में, और उसको अच्छा से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने नॉलेज और स्किल्स को काफ़ी हद तक जो है आप बढ़ा सकते हो। तो ये यहाँ पे जो है इन्होंने कहा है, और डेफिनेटली ये जो बात इन्होंने कहा है कि आप अपने नॉलेज और स्किल्स को बढ़ा सकते हो अगर डिप्लोमा में जो ब्रांच है वही ब्रांच अगर आप लेकर पढ़ते हो। तो मेरा डिप्लोमा में सिविल था, BTEC में भी सिविल से ही करेंगे, ये इन्होंने जो कहा है।
तो ये एक अच्छी डिसीजंस भी है कि भाई ब्रांच चेंज ना करें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका नॉलेज और स्किल्स को आप इन्हेंस करने के लिए आपको जो है काफ़ी टाइम मिल जाता है, नहीं तो अगर आप अलग ब्रांच चेंज करते हो तो थोड़ा जो है आपको डिफ़िकल्ट तो आपको मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि उससे आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, आराम से उसको आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हो। ओके, बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग अभी टाइम है काउंसलिंग होने में, है ना, सितंबर के सेकेंड वीक तक में भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग चल रहे हैं उसमें कई सारे स्कैम्स वगैरह जो है देखने को मिला है, जिसके कारण से कई सारे काउंसलिंग जो है रिशेड्यूल किए गए हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपका काउंसलिंग होने में, बट काउंसलिंग आपका डेफिनेटली होगा। ठीक है, थैंक यू।